हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये टेस्टी स्नैक्स। इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, सारे स्टेप को फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करने वाला पनीर का स्नैक्स। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये इनोवेटिव रेसिपी बनाने के लिए हम ले लेना है 200 ग्राम पनीर। पनीर को हमने स्लाइसेस में कट कर लेना है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, ये बहुत पसंद आया था मेरे हस्बैंड को, तो सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो ये रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। 8 से 10 लेंगे सोख किया हुआ कश्मीरी लाल मिर्च, 7 से 8 लेंगे हम लहसुन, डालेंगे टुकड़ा अदरक का, नींबू को हमने निचोड़ना है तो आधे नींबू का रस हम इसमें निचोड़ देना है। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, पेपर और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद पनीर को हमने इसमें मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब मैरिनेट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच, 1/3 कप हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, गरम मसाला, चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, चॉप किया हुआ करी लीफ, कोरिएंडर और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। और हमने ड्राई कोट करना है, ऐसे कोट करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो अभी हम थोड़ा सा हरी मिर्च को भी ऐसे कट कर लेंगे बीच से और बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसको हम एक एक करके डालेंगे। हाथों को बचाकर इसको डालें और डीप फ्राई करें, तब तक करें जब तक ये सुनहरा कलर ना हो जाए। जब सुनहरा कलर आ जाए तो इसको निकाल लें। हमने हरी मिर्च जो काटी थी उसे भी हमने डीप फ्राई करना है। और लीजिए, हमारा गर्मा गर्म टेस्टी और सुपर क्रिस्पी स्नैक्स रेडी हो गया है। इसको सर्व करें हरी मिर्च प्याज नींबू के साथ, इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिया हुआ बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो ऐसे ही टेस्टी, ईजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।